जॉकी वगैरह है ना, वहाँ पे सर ने ना बहुत अच्छे से ट्रीटमेंट वगैरह किए हैं। जैसे हमारे यहाँ पे डॉगी आते हैं जो रोड वाले डॉगी वगैरह हुए थे, इसको थोड़ी सी चखम हुई थी, मतलब बहुत ऐसा जैसे सड़ जाते तो कोई देखता भी नहीं है उस डॉगी को, ऐसे मतलब उसके ऊपर ध्यान ही नहीं देते। तो हमारे मन में ऐसा है कि चलो हम उसको देखे करके और उसको उसके लिए कॉल करें सर को। मुझे पता था सर ये फ्री ट्रीटमेंट करते हैं और फटा एक फ़ोन करने पे सर तुरंत आते हैं और तुरंत इलाज करते हैं। तो सर आए थे वो डॉगी को देखने के लिए, तो उस टाइम पे वो मतलब रास्ते वाला डॉगी को कंट्रोल करना भी मुश्किल रहता है, पकड़ना मुश्किल रहता है, लेकिन सर और उनके उनके साथ के असिस्टेंट वो आए थे दो जन, उन्होंने उसको मतलब जाली में वगैरह लेके उसको इंजेक्शन दिए, दो इंजेक्शन दिए। उसके बाद वो डॉगी इतना नॉर्मल इतना मस्त हो गया, अभी वो हमारे यहाँ पे आता है दूध पीता है और मतलब पास में भी आता है, बहुत बढ़िया हो गया। मतलब वो डॉगी दो इंजेक्शन से ठीक हो गया। उसके बाद वापस दूसरा एक छोटा बच्चा डॉगी का वो आ गए हमारे पास उधर उसी जगह पे जहाँ पे सर ने ट्रीटमेंट किया था, वहाँ पे आके वो बेचारा ऐसा छोटा बच्चा ही था आके बैठ गया था। तो हमारे बाजू वाली ये बोली, आप उनको फ़ोन करके बोली ना इसको कुछ प्रॉब्लम है, दूध भी नहीं पी रहा है, कुछ भी नहीं खा रहा है। तो उस तरीके से हमने फिर सर को फ़ोन किया, तो सर ने उसको फ़ोन किया तो सर ने उस टाइम पर भी सर तुरंत आए शाम के टाइम पर, उस डॉगी को इंजेक्शन ट्रीटमेंट की। और तुरंत इतना छोटा सा प्यारा सा बच्चा जिस तरीके से दौड़ा ना, उस दिल को इतनी खुशी मिली, इतना आनंद लगा उसको देख के। और डॉगी अभी भी हमारे सामने से गुजरते हैं तो ऐसा लगता है हम कितने लकी हैं कि उसके लिए हम इतना इलाज कर पाए। भले हमने कुछ पैसे खर्च नहीं किए या कुछ भी नहीं किया, खाली एक कॉल करके सर को बुलाया, सर ने उस दो जानवर मतलब दो डॉगी की ज़िंदगी बचा दी। फिर अभी परसों के दिन बीच में ऐसा हुआ कि हमारे यहाँ पे दो तीन लोग आ गए, बोलने लगे मैडम मैडम आप जल्दी चलिए, छोटा बच्चा चलो चलो आप ट्रीटमेंट करते हो, डॉगी का एक्सीडेंट हुआ है कुछ हुआ है, तो उसकी थोड़ी सी साथ चल रही है, आप चलिए चली गए। कितना मतलब ऐसा लगा कि सही में हम मतलब कुछ करना चाहिए तो कितना कुछ कर सकते हैं। इसीलिए सर से धन्यवाद करना चाहती हूँ कि सर ने ये बहुत बढ़िया बहुत अच्छा काम शुरू किया है कि इसका ट्रेनिंग भी दे रहे और ऐसे जानवर की देखभाल नहीं कर पाते। कोई घर में कुत्ता डॉगी पाल लेता है या कुछ भी पाल लेता है, उनको तो प्यार से सही करते हैं, लेकिन ये सृष्टि भी तो हमारा जीवन ही है, ये डॉगी है या कुछ भी है उनके लिए भी बहुत, जैसे कबूतर होते, एक बार तो कबूतर भी ऐसा नीचे आया तो उसको करंट लगा, तभी भी सर ने तुरंत आके, लेकिन वो बचा नहीं क्योंकि उनकी गलती ये हुई कि उन्होंने पानी पिलाया करके। एक कबूतर का ऐसा हुआ कि सर ने घर पे मतलब हमारे घर से लाके उसको ठीक करके उसको उड़ा दिया। तो मैं सर का बहुत धन्यवाद बोलती हूँ और बहुत शुक्रिया मानती हूँ कि जिस तरीके से वो ट्रेनिंग कर रहे हैं ना और जिस तरीके से ये अपनी सृष्टि को बचा रहे हैं, क्योंकि सृष्टि है तो सब कुछ है, नहीं तो कुछ भी नहीं है। तो इस तरीके से अगर करे, मैं तो चाहती हूँ कि जितना हो सके वो, जैसे कि उनके लिए सर ने बोला एम्बुलेंस की ज़रूरत है या फिर दवा, उनके लिए भी इंजेक्शन, ये सब हम तो ऐसे बहुत सारे पैसे जीवन में खर्चे करते, कमाते भी हैं उतने और उतना खर्चा भी उतना ही करते, लेकिन अगर कोई आगे से जैसे अनाथों के लिए भी लोग देते हैं, विधवाओं के लिए भी देते हैं, या फिर क्या बोलते हैं जिसके माँ बाप नहीं होते, बेटा नहीं संभालता, उसके लिए भी बहुत लेते, लेकिन ऐसे हमारी सृष्टि बचाने के लिए कम से कम ना लोग आके आगे आके थोड़ा डोनेशन या जिस तरीके से इसमें और बढ़ोतरी करेंगे ना, तो सृष्टि हमारी मतलब नष्ट होने से ज़्यादा तो बच जाएगी। तो रिक्वेस्ट है कि जितना हो सके सपोर्ट करें सर को, सर को नहीं हमारी टीम को सपोर्ट करें करके।